हरे कृष्णा। सभी भक्तजनों को मेरी ओर से दंडवत प्रणाम। आज हम श्रवण करेंगे कि आत्महत्या करने वाला बड़ा ही मूर्ख है, कैसे अपने जीवन को यूं ही अपने ही हाथों खत्म कर देता है। तो कहीं आपके मन में भी तो आत्महत्या करने की घृणित भावना, डरपोक विचार तो नहीं आते? क्या आप भी जीवन से परेशान हैं, उबे हुए हैं और शायद उसमें कुछ रस, सौंदर्य या आकर्षण का अनुभव तो नहीं करते? तो सुनते हैं आप कि आप आश्चर्य करेंगे कि हमारे देश में प्रतिवर्ष 18 लाख से ज़्यादा अपराध बनते हैं, 15,000 से 17,000 से ज़्यादा व्यक्ति मानसिक रोग और उत्तेजनाओं से ग्रसित हुए जाते हैं, उनके मन में हमेशा ही आत्महत्या, सुसाइड करने की इच्छा बनी रहती है। वो कलह से इतना परेशान हो जाते हैं, इतना बाहरी दुनिया के दिखावा से, घर के समस्याओं से इतना जूझते हैं कि उनके मन में आता है कि आत्महत्या कर लें, इससे ज़्यादा अच्छा क्या होगा, हम यहाँ से मुक्त हो जाएंगे। असल में होता क्या है, हमारे भौतिक जीवन में ना इतनी सुख सुविधाओं का प्रबल लालसा लेकर के हम जितना ही मनुष्य असंयमी, असहिष्णु, असंतुष्ट होता जा रहा है, उतनी ही आत्महत्या बढ़ती जा रही है। उन्माद के कारण लोग परेशान हैं, इतने ग्रस्त हैं, कोई पढ़ाई में कमज़ोर है, कोई नौकरी नहीं मिल रहा है, किसी की शादी विवाह नहीं हो रहा है, किसी के घर के काम रुके हुए हैं, बहुत सारा ऐसा कारण है, किसी को किसी का प्यार नहीं मिल रहा है, किसी के बहुत लंबा केस चल रहा है कोर्ट में, उस सब से ग्रसित होकर बहुत बार लोग आत्महत्या कर लेते हैं। वो आगे कुछ सोच नहीं पाते हैं, लोगों की बातों सुन सुनकर कई बार लोग आत्महत्या कर लेते हैं। कई बार लोग आस पड़ोस के लोग अच्छे नहीं होते, उससे दुखी होकर आत्महत्या कर लेते हैं, परंतु उनको ये नहीं पता होता है कि आत्महत्या करने का ये उपाय नहीं है। जितने वर्ष की आपकी आयु उस समय रही होगी आत्महत्या करने, 20, 25 या ले लीजिए 50, 60 आयु, या लड़के का उम्र ले लीजिए 40, 30, 35 का, तो उस समय जिस समय आत्महत्या कर रहे होते हैं, उतनी आयु को आपका पूरा हुआ नहीं है। शास्त्र ऐसा कहता है कि जिस समय आप आत्महत्या कर रहे होते हैं, आपको वहाँ से फिर से शुरू करना होगा, क्योंकि आपका पूरा जीवन कटा नहीं, आप उसके पहले ही सुसाइड कर लिए। तो हमें फिर से किसी माँ के गर्भ में जन्म लेना पड़ेगा, फिर से पढ़ना लिखना पड़ेगा, फिर से हमको इतना सारा झमेले में पढ़ना पड़ेगा, 9 महीने माँ के गर्भ में बैठ कर हमें कष्ट झेलना पड़ेगा, फिर उसके बाद दुनिया में निकलेंगे तो कितने सारे संकटों का सामना करना पड़ेगा। तो जीवन तो वही चक्र के साथ चल रहा है, आत्महत्या करने का कोई उपाय नहीं है। आत्महत्या नहीं, हमें फेस करना चाहिए जो संकट आए हैं, उसका समाधान भी, हर चीज़ का समाधान बना है, तो हमें उन समाधान से सोचना चाहिए और उससे निकलने का प्रयास करना चाहिए। अब सोचिए, जिन व्यक्तियों के मन में आत्महत्या की कायरता भरे विचार आते हैं, वे एक प्रकार के मानसिक रोगी हैं। ये रोगी आधे पागल टाइप के होते हैं, उत्तेजक स्वभाव के, चिड़चिड़े और कुछ वृद्ध, और सदा मानसिक तनाव के, अधिक दिमागी परिश्रम करने वाले, बहुत ज़्यादा अकेले में रहने वाले, ये सब लोग आत्महत्या करने का ज़्यादा विचार उनके मन में आता है। तो आप शायद बेरोजगारी के बारे में भी सोचते होंगे कि बेरोजगारी और आर्थिक तंगी से परेशान होकर, नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार नहीं ठीक से चल रहा है, गरीबी के कारण आपको मानहानि सहनी पड़ती है, आप एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर में चक्कर काटते रहते हैं पर कहीं आपकी जॉब नहीं लगती, हाथ आपका तंग है और घर वाले आपको परेशान किए हुए हैं, हार कर आप जीवन का अंत कर डालने की सोचते रहते हैं। शायद आपके व्यापार में घाटा आ गया, दोबारा व्यापार संभलने की कोई आशा नहीं दिखती, उधार सारा मारा गया और बाजार में आपकी साख लग जाती है, कर्ज के भार से आप बुरी तरह परेशान हैं, इज्जत बचाने के लिए ही मरना आपके लिए अच्छा दिखता है, इस तरह लोग आत्महत्या कर लेते हैं। ये कितना बड़ा वजह है, ये एक छोटा चीज़ नहीं है,
जिस शरीर को भगवान ने दिया है, जो 84 लाख योनियों से होकर गुजर करके ये मनुष्य शरीर में लाया, ये मनुष्य शरीर से ही हम भक्ति कर सकते हैं, ये मनुष्य शरीर से ही हम दूसरे काम कर सकते हैं। जो भगवान के पास जाने का एकमात्र साधन मनुष्य शरीर ही है, उसको हम मार डालेंगे तो फिर हमारा कहाँ उन्नति होगा, फिर से हमको चक्र में काटना पड़ेगा। और हाँ, आत्महत्या करने से कोई उपाय नहीं है, हमें फिर प्रेत योनि में घूमना पड़ेगा। अगर घर वाले यदि आपके ज्ञानी हैं, समझदार हैं, तो आपका पूजा पाठ करा करके आपको प्रेत योनि से निकाल लेंगे। फिर भगवान तो लेकिन प्रसन्न नहीं होते हैं आत्महत्या करने वालों से, भगवान बहुत नाराज होते हैं। इसलिए आत्महत्या करने का विचार मन में कभी नहीं लाना चाहिए, चाहे जैसी भी परिस्थिति रहे, आत्महत्या नहीं करना चाहिए। और रहा बात आत्महत्या के बारे में, आप परेशानियों के बारे में, तो परेशानियाँ सबके जीवन में आता है, यहाँ तक कि देवताओं के भी जीवन में आता है, तो उससे बाहर निकलने का सदैव प्रयास करना चाहिए। सबका हल बना है। कहीं आपके मन में किसी लंबी बीमारी से व्यग्र और चिंतित तो नहीं है? उस बीमारी से तिल तिल करके मरने की अपेक्षा एक बार ही क्यों न जीवन का अंत कर दिया जाए, यह बुरी बात भी मन में आती रहती है और फिर आत्महत्या करने के बारे में लोग सोचते रहते हैं। आप पारस्परिक द्वेष, किसी से शत्रुता, प्रतिशोध या और किसी पेचीदार मानसिक उलझन, घरेलू या पारिवारिक कलह या मानसिक कष्ट में तो फंसे हुए नहीं हैं? आपको कोई मानसिक आघात तो नहीं लगा है? आप अपनी कन्या का विवाह नहीं कर पा रहे या लड़कों की आवारा गर्दी से परेशान होकर आप आत्महत्या तो नहीं कर रहे? शायद आप अनजाने में कोई गुप्त पाप कर बैठे हैं, किसी घृणित कार्य में पकड़े गए, मुकदमा चल रहा है, उसमें घबरा कर पेचीदा बात को न सुलझा सकने के कारण आत्महत्या करने की सोचते हैं। शायद आप कोई विद्यार्थी हैं, आप किसी परीक्षा में फेल हो गए, कई बार फेल हुए और घर वालों के व्यंग बाणों से, उनकी व्यंग भरी बातों से परेशान होकर मरने के बाद लड़के लड़की सोचते हैं। आप कदाचित किसी से प्रेम करते हो, उस प्रेम में निराशा मिली, आपको मानसिक आघात आपको लगने लगा, तब आत्महत्या करने की अधार्मिक बातें आप सोच बैठते हो। तो हमें क्या करना चाहिए? आपके कष्ट ना क्षणिक है, जीवन में एक नहीं कष्ट है। कष्ट और मानसिक पीड़ाएं तरह तरह का रूप और ढंग रखकर हर समय प्रतिपल हमारे मानस पर, क्षितिज पर उदित होती हुई रहती हैं। जितने मनुष्यों के रूप, मानसिक संस्थान, गुण, कर्म और स्वरूप हैं, उतने ही अलग अलग प्रकार के कष्ट और झंझट भी हैं। इसका क्रम निरंतर बढ़ता जाता है। विपत्ति किस पर नहीं आई है और कष्टों ने किसको नहीं पीसा है? मुसीबतों के काले काले भयंकर बादल किस मानव पर नहीं मंडराए हैं? तनिक आकाश की ओर तो देखिए, अभी यह स्वच्छ है, नीला नीला दिख रहा है, लेकिन क्षण भर के पश्चात न जाने कहां से काले बादल आकर छा जाते हैं। चारों ओर अंधकार ही अंधकार फैल जाता है। आंधी तूफान, वर्षा, वज्रपात सभी को डर देता है। सभी डर जाते हैं आंधी तूफान से। तूफान कम हो जाता है, काले बादल भी किधर आए थे फिर कहां गायब हो जाते हैं, फिर आकाश भी साफ दिखाई देता है। यही हाल मानव जीवन का भी है। विपत्तियां आती हैं और मनुष्य को तनिक सी परेशानियों से मजबूर हो जाता है। यही समझता है कि बस अब बहुत हो गया, अब अपना तो अंत कर देना चाहिए, अब बचने की कोई आशा ही नहीं है। लेकिन वे कष्ट, वे विपत्तियां, वे विषमताएं, ये व्यवस्थाएं, जटिलताएं हमारे खुद के समय पाकर खुद ही दूर हो जाएंगी। ईश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य व्यर्थ के छोटे छोटे कष्टों से उद्गिन्न पड़ा रहे। वह तनिक सा दुख डालकर हमारे धैर्य की, हमारे सहनशीलता की परीक्षा लिया करते हैं। और जो कमजोर दिल के होते हैं, वही जल्दी निराश होकर आत्महत्या कर लेते हैं।
हमेशा अपने मन को ना ऐसे समझाइए, आप कमज़ोर नहीं हो, दीनहीन और निर्बल संकल्प वाले भी नहीं हो। सांसारिक कठिनाइयाँ आपको कभी पस्त नहीं कर सकेगी। यह मन में जो चिंताएं हैं ना, धधकती हुई अग्नि के लिए है, और बैठी हुई आग जो आपको जलाए डाल रही है उसे तुरंत बुझा डालिए ज्ञान के दीपक से। कभी अकेले में मिरर के सामने बैठ कर अपने आप से पूछिए, क्या हमें सच में आत्महत्या कर लेना चाहिए? क्या हमारा इतना बड़ा अपराध है या हम हमारे इतने दुख में हैं कि इसका अंत सिर्फ और सिर्फ आत्महत्या है? विश्वास कीजिए, कल परसों तक आपकी ये विकट समस्याएं स्वतः ही हल हो जाएंगी। बस एक दो दिन के लिए रुक जाइए, परिस्थितियों को खुद सुलझने दीजिए। ईश्वर के हाथ बहुत लंबे हैं, वे सहायता के लिए आपकी समस्याओं को सुलझाने के लिए दौड़े आ रहे हैं। यह जिंदगी ना जीने योग्य है, इसमें मिठास है, कड़वाहट तो थोड़े ही दिनों की है। क्या आपने यह महान उक्ति सुनी है? अयम लोक प्रियतमो देवा नाम पराजित यस्मे त्वमेह मृत्युवे दृष्टम पुरुष जग्ञ से सच त्वानु अवयामसी मा पुरा जरसो मृता। अर्थात हे मनुष्यो, यह संसार देवताओं का प्यारा लोक है, यहाँ भला पराजय का क्या काम? तुम समझते हो कि तुम मौत के लिए प्रति संकल्प किए जा चुके हो? यह बात नहीं है, हम उसे सुनाते हुए तुम्हें वापस बुलाते हैं। बुढ़ापे से पहले मरने का काम, मरने का नाम कभी मत लो। अपनी समस्त कठिनाइयों के बावजूद यह मनुष्य का जीवन यश और सौंदर्य से भरा है, हर प्रकार से जीने योग्य है। आतए तु मन पुनः कृत्वे दक्षाय जीवसे जयो कच सूर्यम दृशे। अर्थात कायर मत बनो, उठो, होश को संभालो, फिर सोच विचार करो, कर्म कौशल को जीवन को चेतो। अभी तुम्हें चीर काल तक सूर्य भगवान के दर्शन करते रहना है। वास्तव में अनेक युगों के पुण्य फलों के कारण तुमको यह देव दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त किए हो। मानव जीवन पाकर उसे भव्य उद्देश्यों में लगाओ। इस देह में ईश्वर बसते हैं, याद रखना। अमृत्यो श्रेय मन विक्षेत। अर्थात जब तक यह मानव जीवन है, ऐश्वर्य की कामना करना ही उचित है। दूसरों के लिए जीवन धारण कीजिए, अपने लिए जियो, अपने परिवार के लिए शरीर धारण करो। यदि परिवार ना हो तो पीड़ित और दुखित मानवताओं के लिए, दुखों के निवारण के लिए जियो। संसार तुम्हारा सहारा चाहता है। याद रखो, आत्महत्या का विचार तक पाप है, बुद्धि की दुर्बलता है, बहुत बड़ी कायरता है। तुम्हारे बुद्धि बल का प्रयोग जीवन को सशक्त और यशस्वी बनाने में व्यय होना चाहिए। जो अपनी स्वयं हत्या की बात सोचते हैं, वे अपने ही हाथ बहुत बड़ी भारी अन्याय करते हैं। और नीति का भी यही वचन है, बुद्धि यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम। जिसमें सद्बुद्धि है उसी में सच्चा बल है, उसी में जीवन है, निर्बुद्धि में बल कहाँ आया है? अधिकतर आत्महत्याएं अकस्मात उत्तेजना और क्रोध जैसे पाशविक विकारों के कारण दुष्परिणाम है। मनुष्य आवेश में आकर हतबुद्धि हो जाता है और विवेक काम नहीं करता। तनिक भी कड़वी बात वो सहन नहीं कर पाता है और कलह का विष बन करके वो अपने आप को पचा नहीं पाता, जिसके कारण वो आत्महत्या कर लेता। बुद्धि नाशात प्रणश्यति। हमें क्रोध के समय बहुत सावधान हो जाना चाहिए, कहीं हम अंधाधुंध बुरा कार्य तो नहीं कर बैठे हैं। मानसिक आवेग को तुरंत रोकना चाहिए, यही परम पुरुषार्थ है। बहुत ज़्यादा क्रोध, चिंता, ईर्ष्या, भय, ये सब हमारे अस्वस्थता के कारण है, खतरनाक स्थिति में डाल देता है हमें। इस विषैली स्थिति से हमें बचना चाहिए। मंगलमय भगवान का विधान
आपके लिए सब कुछ मंगल करेगा। ठहरिए, अच्छा समय आपको ढूंढता भागता चला आएगा, आ भी रहा है। आपका जीवन प्रभु का दिया हुआ है, दैवी वरदान है। उसे समय से पूर्व हत्या करके समाप्त मत करिए। करने का पाप आपको कोई अधिकार नहीं है। जो समय से पूर्व उसे नष्ट करते हैं उनके लिए सबसे अधिक कष्ट में रौरव नरक में मिलता है उसको जगह। इसीलिए कृपा करके कोई भी व्यक्ति जो इस कथा को सुन रहा है, कभी भी अपने मन में आत्महत्या करने का विचार मत लाइएगा। एक बार अपने आप को, अपने परिवार को जरूर देखिएगा कि आपके जाने के बाद इनका क्या होगा जो आपके आश्रित हैं। और एक बार मिरर में जाके अपने आप को देखिएगा, क्या आपका जीवन जो इतना वर्ष का हो चुका है वो आत्महत्या करने के लिए बना है? क्या ऐसा कोई कष्ट है जिसका वो उपाय नहीं है कि हमें आत्महत्या करना पड़ रहा है? एक बार ज़रूर विचार करिएगा। हरे कृष्णा।